किया जाए, अगर आप जैसे जहां पर यहां पर इलाकों में रहते हैं, जोरेगा जैसे इलाकों में रहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके परिसर में आजू बाजू घर कोई देख रहा है तो उसे टॉलरेट मत करो। आपको मैं आप लोगों की समस्या ये भी जानता हूं, बहुत सारे नागरिक रेसिडेंस एसोसिएशन मेरे पास में आते हैं, मुझे यही भेजते हैं कि हम अगर गैस का इन्फॉर्मेशन आपको देंगे या पुलिस को देंगे तुरंत वही घर पर हमको अटैक करता है, हमें धमकियां मिलती है, तो हम ये मसले में मामले में पढ़ना नहीं चाहते। तो ये बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती है हमारे पास में, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चीज से डरे ना। अगर आपको ऐसा लगता है, हर पुलिस स्टेशन में एक सीनियर पीआर होता है, मैं जब एनसीपी में था तो मैं जोर नारे करता हूं सर, तो आप कोई सीनियर ऑफिसर्स को अगर अप्रोच करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा निवारण हो सकता है। अगर फिर से आपको लगता है कि सीनियर पीआर या जोर डायरेक्टर नहीं कर पा रहा, तो आप और उच्च पदीय अधिकारियों के पास जाए और आपकी जो आइडेंटिटी है वो 100% गुफिया रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक्शन होगा। इस चीज कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसे टॉलरेट न करें, इसे सहन न करें, क्योंकि आज अगर आप रुकेंगे तो कल 10 सालों में यह हर घर घर की समस्या हो जाएगी। आज मेरे भी छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी अगर छोटे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे हैं। भारत में हमें स्वस्थ पीढ़ी चाहिए, 30% जो हमारे भारत की जो जनता है वो युवकों की जनता है। देश की ताकत, देश की प्रगति युवकों की संख्या से और ताकत से जुड़ी जाती है। तो हमें जो 30% हमारे युवक है, हमको कोई नशेली और गंजली युवक नहीं चाहिए, हमें देश को मजबूत युवक चाहिए जो आर्मी, पुलिस, आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग में जाके देश का योगदान करें। मैं ये भी समझता हूं कि जो ड्रग के काम करते हैं, अभी आपके इलाकों में जैसे कि ड्रग्स नशेदान, अनिल भाई ने जैसे पहले बता दिया, एमडी, ये एमडी सबसे ज्यादा प्रचलित आपके एरिया में है, गोरेगा, अंधेरी, लोखंडवाला, कोशीवाला, वसो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में, महाराष्ट्र के बाहर इनकी फैक्ट्रियां होती है। इनके जो सूत्र उदाहरण होते हैं दुबई के जैसे देशों में, पाकिस्तान के जैसे देशों में बैठे रहते हैं, धंधे लोग होते हैं वो। सो ये सबसे ज्यादा एनडी आपके यहाँ पैसे लेकर, दूसरा जो ग्रंथ से आपके अगर किसे लेते हैं बटन, जो बच्चे बटन 50-50 रुपए की टैबलेट्स मिलती है, जिसे हमारे भाषा में नाइट्रोजेपाम, क्लोरोजेपाम ये सब कहते हैं, लेकिन आम भाषा में उसे बटन कहते हैं या नाइट्रो कहते हैं। तीसरे फसल में प्रचलित है गांजा, गांजा का पुराना ड्रग्स है, तो उसे लोग ड्रग्स मानते नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये भी बहुत गंदा प्रकार का ड्रग्स है। फिर आपके यहाँ पर ज्यादा प्रचलित है चरस, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर नेपाल से आता है, जो भी काफी यहाँ पर संख्या में पाई जाता है गोरेगा जैसे इलाकों में। पार्टी ड्रग्स से बड़े बड़े अलग अलग ड्रग्स होते हैं, जैसे कोकेन, एलएसडी, तो ये जो ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा रईस के बच्चे होते हैं, जो कोई भी पैसे वालों के बच्चे होते हैं, तो वो लोग वो सब चीजें पीते हैं। लेकिन जो आम हमारे जैसे गरीब या हमारे जैसे नॉर्मल जनता है, तो उनके बच्चे जो ड्रग्स में पाए जाते हैं, तो ये सब जो मैंने एमडी, चरस, गांजा और नाइट। दूसरी एक और बात है कि मैंने ये भी देखा है, हम ये इलाकों में थिनर जैसे नशा करते हैं, जो बच्चे ड्रग्स है, जो युवा ड्रग्स नहीं खरीद पाते हैं, जिनको इसकी आदत है, तो अगर वो नहीं हुए तो फिर कभी थिनर सुन लेते हैं, कभी फिर अपना आयोडेक्स वगैरह जो खा लेते हैं, तो गंदे प्रकार के ड्रग्स काफी प्रचलित हैं। थिनर और आयोडेक्स वगैरह ड्रग्स में आते नहीं है, तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे उसे कि कुछ कुछ इंडिपीएस में लाया जाए। एक और ड्रग्स आपके यहाँ पर काफी प्रचलित है, जिसे कहते हैं कोडीन, जो पेरीमेरी कप सिरप होते हैं, जिसे कहते हैं एनआरएक्स मेडिसिन। एनआरएक्स मेडिसिन में ये मतलब होता है कि ये ड्रग्स भी है, लेकिन आपको मेडिकल स्टोर में अगर प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो आपको पब्लिक के पास आ सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत प्रिस्क्रिप्शन गैर कानूनी तरीके से बना के, या फिर मेडिकल स्टोर, कुछ भी मेडिकल स्टोर ऐसे कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स मुहैया करवाते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार के ड्रग्स है, पेनिड्रिल, कोडीन, कोरेक्स, ये जो आता है मार्केट में, तो बच्चे और युवक इसका भी ज्यादा सेवन करते हैं। अगर ये बॉटल आपके पास में 10 बॉटल की पाई जाए आपके पास में,
यानी एक किलो, एक लीटर, एक किलो के ऊपर अगर ड्रग्स पाई गई 10 कोडिंग की बॉटल पेनेडल की, आपको 20 साल की सजा हो सकती है, कमर्शियल क्वांटिटी हो जाता है। 20 साल की सजा, 2 लाख जुर्माना और आपको बेल भी नहीं मिलेगी। इसमें ये बहुत गंदे किस्म के प्रकार के ड्रग्स है। अगर आप मर्डर भी करते हैं तो भी 14 साल की सजा मैक्सिमम आपको, लेकिन ड्रग्स का ऐसे प्रकार का काम करते हैं तो आपको 20 साल की सजा।